इस महादेव बरस गए, मौसम देखो कितना अल्टीमेट हो गया, बारिश आने लग गई। देखो सामने भोलेनाथ को जल चढ़ाने, कुछ भोलेनाथ खुद आ गए जल चढ़ाने अपने आप को। सावन आया तो मैं था, सावन आया ना, हम खुद लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस आज मैं आया हूँ जागेश्वर धाम मंदिर, महादेव की नदी में। और आप देखेंगे पीछे कितने मंदिर हैं यहाँ पे, कि हर जगह की मंदिर है। जहाँ पे केदारनाथ का भी है और हमारे पाँच किनारों में से पाँचों किनारों के मंदिर भी, हर जगह के मंदिर है। तो आज मैं आपको अच्छे से दर्शन कराऊंगा, दिखाऊंगा आपको क्या क्या यहाँ है। और हमें बहुत टाइम लगा यहाँ आने में। और मेरे साथ हैं देखो अभी तिवारी जी। तिवारी जी कैसा लग रहा? और यहाँ पे देखो हरियाली कितनी बढ़िया हो रही है, ये देखो। फिलहाल अभी मैंने ब्लॉग जो है ना मंदिर के अंदर से स्टार्ट करा, तो अब इधर से चलते हैं हम। यहाँ पे देखो माता जी का मंदिर है सामने, तो इधर से चलें तिवारी जी। और जो महादेव का मेन मंदिर है ना वो ये है सामने, यहीं पे मतलब अंदर शिवलिंग है। अंदर तो दिखाने नहीं देते ना, बट यही है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इतनी शिवलिंग है कि अनगिनत शिवलिंग है, यहाँ गिन नहीं सकते हम। और सामने हमारे बजरंग बली भी हैं, बजरंग बली। ये देखो गाइस, बजरंग बली छीना झपटी भी करते हैं। ये देखो यहाँ पे है, पहले के लोग होते थे आर्किटेक्ट। वही तो कह रहा हूँ कितने गाइस, देखो यार कोई सीमेंट ही नहीं है यहाँ पे। वैसे देखो खाली पत्थर के ऊपर पत्थर रखा है, इतना मजबूत होगा ना ये, क्या बताऊँगा। ये देखो, ये देखो आप, ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड का चमत्कार है। ये देखो कोई यहाँ पे देखो, ये वो गैप तक दिख रहे हैं, बट यहाँ पे कोई, ये देखो कोई सीमेंट का नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहीं पे से चलें। ये देखो इतने मंदिर हैं यहाँ पे ना, अगर गिनने में आएंगे तो करीबन 500 होंगे, 500 तो आराम से होंगे यार, आराम से। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ सामने से, ये देखो एक और शिवलिंग। और यहाँ पे देखो एक और सामने पीछे, ये हर जगह की हैं मंदिर एक साथ। ये देखो नवग्रह मंदिर, नवग्रह मतलब नौ मंदिर एक साथ। ये देखो सूर्यदेव का मंदिर, ये हमारे जागेश्वर मंदिर का नीलकंठ। देखो महादेव का नीलकंठ मंदिर, फिलहाल अभी हम यहाँ से आगे को आ गए गाइस। यहाँ पे है कुंड, यहाँ पे सिक्के इक्के फेंक के ना मंदिर मांगते हैं, जो भी चीज़ें होगी उन चीज़ों को मांगते हैं। ये देखो कैसे फेंक रहे हैं, ये देखो कुंड। अब वो देखो, अब वो करेंगे भाई साहब, अब मांग रहे हैं कुछ, आज कुछ बड़ा मांगते हैं। ये फेंक दिया देखो क्या कुछ मिला इनका, तो पत्थर ही नहीं पहुँचा। हाँ कहते हैं कि वो पत्तों में होना चाहिए, कमल के पत्तों में, तब जाके मन्नत पूरी होती है। इसका तो पानी में वो चले गया था, वो तेरा तो पानी में चले गया हो। ऐसा क्या मांग दिया मैंने? नहीं ऐसा क्या मांगा जो नहीं दिया। तो गाइस अब वो है देखो अंदर मंदिर, जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम। तो अब चलते हैं आगे को, यहाँ पे फोटो शूट भी चलता है। ये देखो सामने, तो गाइस यार जागेश्वर मंदिर आगे ना, हर मंदिर होकर दर्शन अच्छे से आते हैं। देखो सामने केदारनाथ मंदिर की शिवलिंग है, और यहाँ पे देखो इतने भगवानों के हैं कि पता कहाँ कहाँ की शिवलिंग है सब पता ही नहीं लग रहा है। हाँ। क्योंकि अब लिखा भी नहीं है ना कितनी जगह ये। और सामने देखो हो गए दर्शन, हो गए अच्छे से।
सीधे केदारनाथ पहुंच गया हूँ। अल्मोड़ा ज़िले में आ गया केदारनाथ है। गाइस ये देखो पेड़ पूरा आधा चिपका है, उसके बाद अलग हो गया। देखो ये देखो ऊपर जाके अलग हो गया। और अभी सामने है कुबेर बाबा जी का मंदिर, वहाँ भी जाएंगे हम, पैसे लेके आएंगे वहाँ से कुबेर जी से, आज आशीर्वाद लेके आएंगे। अच्छा, पैसा वहीं भिजवा देंगे नहीं। बस आज सावन का महीना भी चल रहा है अभी फिलहाल, और अच्छे टाइम पे आए हम हैं दर्शन करने। गाइस अभी तो यहाँ पे ना हवन भी होते हैं यहाँ पे इस समय, बट अभी आजकल हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ कल यहाँ दो तीन दिन पहले यहाँ मेला लगा था, इस चक्कर से आज अभी बहुत टाइम बाद हो रहा था। बाकी ये देखो मंदिर, इतने मंदिर हैं कि गिन नहीं सकते हम यहाँ। और मंदिर तो ऐसे भी गिनने भी नहीं चाहिए नहीं, तो चले हम आगे को आप दर्शन करें। देखो बंदर, बंदर भगा दें पंडित जी। 108 जो चलेंगे तो चलेंगे यहाँ। 108 ज़्यादा होगी यार। सामने मेन मंदिर यह देखो नंदी जी, और सामने आगे जाके शिवलिंग है ना, वहाँ पे फोटो वोटो खींचना तो है, बना नहीं देते हैं, तो यही है। बाकी मैंने भी लगा लिया टीका, और तिवारी जी ने भी लगा लिया तिवारी जी। और यहाँ पे देखो सब मंदिरों के बारे में बता भी रखा है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से चलते हैं बाहर को। और ये देखो कितने मंदिर हैं, चार। देखो सब मंदिरों के बारे में ज्योतिर्लिंग। ये वाला मंदिर जो है सामने है, उसके बाद हनुमान मंदिर है थोड़ा सा आगे जाके, और उसकी माता का मंदिर भी है इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे ही है। मृत्युंजय मंदिर है, फिर हवन कुंड भी है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, और केदारनाथ मंदिर भी है, और कमल कुंड भी है वहाँ पे, और बुद्ध बाबा का मंदिर देखो पीछे सामने है, बाबा का मंदिर। और कुबेर मंदिर में हम आप जाएंगे, वो थोड़ा हटके है मंदिर से बाहर जाके है, तो जहाँ पहले मंदिर से बाहर निकलना पड़ेगा तब जाके। तो तिवारी जी चलें बाहर को अब। अच्छा पहले यहाँ दर्शन कर लेते ना, तो गाइस अब यहाँ दर्शन करेंगे हम। इस महादेव बरस गए, मौसम देखो कितना अल्टीमेट हो गया, अब बारिश आने लग गई। देखो सामने भोलेनाथ को जल चढ़ाने, कुछ भोलेनाथ खुद आ गए जल चढ़ाने अपने आप को। आया तो मैं था, सावन आया ना, हम खुद लेके आए हैं पार्सल। देखो गाइस कहाँ से लेके आए हैं बरसात, जहाँ बारिश नहीं आ रही वहाँ से हम लेके आए हैं, देख लो। और देखो बारिश होने लग गई, पूरा पूरा अच्छे से कर रखा ना यहाँ पे, कवर कर रखा पूरा मंदिर को। देखो ये देखो जहाँ पे पुजारी जी बैठते हैं हर जगह कवर कर रखा। तो अब हम चलते हैं सीधे मंदिर में। दीदार का होगा अब वो पता नहीं, पर पेड़ की कुछ कहानी है वो मुझे अभी पता नहीं होता है। शादी करी हुई पेड़ होगी ना, दो है वो नीचे बांधा हुआ है। यहाँ मंदिर में ना कोई सीमेंट ना कुछ नहीं, सीधे खाली पत्थर पे पत्थर रखे बस, फिर भी मजबूती है। और गाइस जहाँ पे स्नान करने का था ना ब्रह्मा कुंड, वो हमारे सामने आ चुके हैं। और यहाँ पे से कुबेर मंदिर देखो वह है सामने, आपको दिखा दूँ जहाँ पे स्नान करते हैं। वो ये है जगह, ये है देखो यहाँ पे करते हैं स्नान। और बर्फ जैसा पानी आता है भैया, बर्फ की सिल्ली फेल है। और सामने वो है देखो रास्ता कुबेर मंदिर का, आज लेके जाऊँगा मैं कुछ, खाली हाथ नहीं जाऊँगा भाई आज। आज ना तिवारी खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ अभी एक मंदिर यहाँ भी है आगे, यहाँ भी गया हूँ। हाँ गाइस वो है देखो, अब आ गया हम मंदिर के आगे हैं। हाँ ऊपर है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, ट्रैकिंग हो जाती है यहाँ पर। गाइस ये देखो काली माता का मंदिर भी है देखो सामने ये। और कृपा ये देखो, ये कह रहा था मैं, देखो यहाँ पे नहाते हैं स्नान करते हैं आगे। यहाँ से स्नान करने के बाद जागेश्वर मंदिर के अंदर जाते हैं, जब लास्ट में जब सब जगह पूजा करके फिर यहाँ आते हैं कुबेर मंदिर में। हाँ ऐसे नक्शे में बताया, हाँ ऐसे नक्शे में बताया था, हमने भी नक्शा देख के बताया, हमने पहले भी आया होगा बहुत बार, पहले भी लास्ट में यहीं आते थे। तो फिलहाल अभी हम जूते यहीं पे उतार लेते हैं यार। ये देखो बहुत जागेश्वर मंदिर का इलाका,
पूरा एरिया देखो इतना, वहाँ से लेके पूरा ये देखो, पूरा ये देखो, पूरा दिख रहा है ये सामने कुबेर जी का मंदिर हो गया और सामने तिवारी जी हो गए और नदी हो गई। तो दोस्तों इतनी प्यारी सी जगह पे और महादेव की नगरी में जहाँ महादेव का वास है, तो आज हम वहाँ आए हैं। तो हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आपको ब्लॉग जैसा भी लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाकी हम अपने मित्र से पूछते हैं उन्हें कैसा लगा यहाँ के, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम था ना? सरप्राइज था, फर्स्ट टाइम। तो गाइस इसके भाई का फर्स्ट टाइम था और भाई ने अच्छे से दर्शन भी कर लिए हर जगह के। तो अब हम यहीं से वापसी करते हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे और खूबसूरती है। और आजकल सावन का महीना चल रहा है तो हरी हरियाली इतनी है कि हरी भरा, हर जगह हरा भरा है। और बारिश का टाइम भी है, बारिश भी हल्की हल्की आ रही है। तो हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। ओके गाइस, अभी के लिए इस ब्लॉग को करते हैं बाय। दोस्तों संन्यास ले लिया इसने यहाँ पे, चल रहे हैं छोड़ के इसको, यहीं छोड़ देते हैं इसको। आ गए हम इसको लेने। हेलो आचार्य जी, संन्यास ले रहे क्या आप? हाँ भक्त जी, क्या चाहिए? संन्यास ले रहे हो क्या? संन्यास संन्यास ले लो क्या? संन्यास ले लिया, ले लिया, ले लिया। चलो तुम जाओ, मैं आपकी गर्लफ्रेंड से मैं बात करूँगा आज से। वही यार, वो तो मेरा खुद सपना है। तभी तो संन्यास ले लूँगा, तभी तो संन्यास ले बैठ गया मैं, ये लेके जाऊँगा। चलो गाइस।